सब आपको एक मैं बात बताना चाहूँगी कि मेरी एक फ्रेंड है शिवानी चोपड़ा, वो मेरे केक उनको बहुत अच्छे लगते हैं और उन्होंने मुझे बोला कि मैं ओवन में केक बेक करती थी, आपने पूछा मुझे पतीले में बेक करना सिखाया केक, और उन्हें ये मतलब रेसिपीज पसंद आती है मेरी, तो स्पेशल उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि मुझे इजी वेज होते हैं उसके अंदर केक बनाना सिखाइए। तो आज मैंने ये मार्केट से बाय किया है विंकीज का केक है, ये कुकर केक, ये मैं आज आपको बना के दिखाऊंगी। लव यू शिवानी, और आपकी स्पेशल फोन कॉल, आपके स्पेशल प्यार की वजह से मैं आज ये आपके लिए केक बना रही हूँ, और आप इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। ये किसी भी आपके जो जनरल स्टोर्स वगैरह होते हैं उसमें ये बहुत इजीली मिल जाता है, और ये बहुत जल्दी मिलता है, और ये प्रीमिक्स है, प्रीमिक्स, इसमें हमें कुछ नहीं ऐड करना, बस इसमें क्या ऐड करना होता है, मिल्क एंड ऑयल। मैं आपको सिखाती हूँ बनाना, देखिए कितनी झटपट रेडी होता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये पैकेट खोलती हूँ मैं कुकर केक वाला। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, ये पैकेट खोल के बोल में डालिए, इसमें लिखा है 100 ml मिल्क, ये मैंने डाल दिया है, और लिखा है 1 tablespoon ऑयल, मतलब ये आपको पर मैंने पहले ही बोला है कि प्लीज आप सारे ये स्पून वगैरह ये सब ले आइए, इससे क्या होता है कि हमारा मेजरमेंट ठीक होता है और केक बहुत अच्छा बनता है। इसके बाद हमें ये इसका प्रीमिक्स को हमें मिक्स करना है, और हाँ एक बात और, जैसे हमने इसके अंदर मिल्क लिया है तो मिल्क प्लीज आप रूम टेम्परेचर का लें, रूम टेम्परेचर का ही लेंगे, अगर ठंडा लेंगे नहीं ले, अगर ठंडा लेंगे तो आपका केक राइज नहीं करेगा, फूलेगा नहीं, तो इसलिए ज़रूरी है आप प्लीज़ जो भी मैं आपको रेसिपीज़ बताती हूँ वो सारी रेसिपीज़ में आप जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप रूम टेम्परेचर पे लेंगे तो ही अच्छा रहेगा, और जिसमें मैं बताती हूँ कि फ्रिज में रखना है या कैसे भी करना है तो आप वैसे ही लीजिए। देखिए अब मैं इस मिक्स को पूरा मिक्स कर रही हूँ, बस मिक्स हो गए, अब हमें बस इसके, ये मैंने इसके पहले ही ग्रीस किया हुआ है बटर से, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इसको केक मोल्ड में डाल दूंगी। अब हम क्या करेंगे, सारा मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया है और 2-3 बार हम इसको टैप करेंगे, टैप करने से क्या होते हैं सारी हवा निकल जाती है जिससे कि केक हमारा जो है अच्छी तरह राइज होता है। तो आइए चलते हैं कुकर की तरफ, कुकर में आपको दिखाती हूँ मैं करके। मैंने पहले ही क्या किया था, इसमें करीब 1.5 ग्लास मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था ताकि भाप बन जाए। देखो गाइस, पहले मैंने आपको कुकर में जो हो था पतीले में नमक डाल के सिखाया था, आज मैं आपको पानी डाल के सिखा रही हूँ। और ये रैक रखते हैं, रैक को सीधा रख दीजिए, थोड़ा सा प्लीज़ आप केयरफुल रहिए क्योंकि पानी बहुत गर्म है। इसको मैंने सेट कर दिया है, अब मैं ये जो केक का बैटर मैंने डाला था उसको बहुत ही आराम से आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, आपका हाथ भी जल सकता है, तो प्लीज़ आप ध्यान से रखिए। अब ये मैंने लिया है इसका कुकर का ढक्कन, बट आप इसका विसल हटाएंगे, विसल हटा के साइड रखेंगे, और इसको हम लोग हल्की गैस पर 30 मिनट्स के लिए रख देंगे, और 30 मिनट्स बाद इसको आप हल्की सिम कर दीजिए, बिल्कुल भाप निकल रही है कोई बात नहीं निकलने दीजिए, बट आप हल्की गैस पर इसको 30 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं 30 मिनट बाद। आधा घंटा हो गया है दोस्तों, अब मैं इसको खोल कर देखूंगी, बहुत ज़्यादा गर्म है, प्लीज़ आप इसको आराम से निकालिएगा। पहले मैं देखती हूँ
कि टूथपिक से चेक करूं, आपको चेक करके दिखाती हूं कि हुआ कि नहीं। वैसे तो ये मुझे लग रहा है हो गया है, फिर भी एक बार हम टूथपिक वाला टेस्ट करके देख लेते हैं कि हुआ कि नहीं। टूथपिक में मैं डाल के देखती हूँ, एकदम क्लीन है। इट्स मीन हमारा केक रेडी है, इसको हम निकालेंगे आराम से। बहुत करना है, अब मैं इसको आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। केक को हम डीमोल्ड करेंगे, देखिए कितना स्पॉन्जी बना है केक। अब इसकी हम आइसिंग भी कर सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। मेरे पास क्रीम रखी हुई है, बीटिंग जो की थी, मैं उस पर आपको इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। आप इसके ऊपर शुगर सिरप भी बना सकते हैं चीनी में पानी घोलकर, या आप रेडीमेड आप इसके ऊपर चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो केक अंदर से मॉइस्ट रहता है, एकदम से मॉइस्ट रहेगा, इसलिए हम इसके अंदर शुगर सिरप या फिर चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ऐसे लगाइए, हल्का हल्का सा स्प्रेड कर दीजिए। मेरे पास क्रीम थी, बीटिंग क्रीम मैंने की हुई थी, तो ये मैं सोच रही हूँ आपको प्लेन ना दिखाकर थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखाऊँ कि भैया मैं अपनी क्रीम भी यूज़ कर लूँगी और थोड़ा सा सुंदर भी लगेगा केक, खाने में भी देखने में भी। बस आप इसको थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड कीजिए इसके ऊपर। स्प्रेड हो गया और इसके बाद ये जो मैंने इसका ऊपर कटा हुआ पीस था वो भी मैं इसके ऊपर एडजस्ट कर दूंगी। देन फिर थोड़ा सा आप इसके ऊपर होल होल कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा सिर्फ थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और अब मैं इसको फिर स्प्रेड कर दूंगी। स्प्रेड करने के बाद दोबारा हमने जो बीटिंग क्रीम लगाई थी, ये तो देखिए आजकल रेडीमेड आते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे काम, क्योंकि प्रीमिक्स है, प्रीमिक्स में इतनी देर नहीं लगती है, प्रीमिक्स में बहुत जल्दी होता है। इसको आप पूरा कवर कर दीजिएगा अच्छी तरीके से। घुमाते हुए इसको साइड, ये जो एजेस हैं इसको भी कवर कर देना। अब ये देखिए हम क्या करेंगे, वो तो अपने अपने ऊपर है कि हम केक को कैसे डेकोरेट करें। अब मैं क्या करूंगी, लास्ट में बिल्कुल ना एकदम ऐसे गिरता हुआ इसके ऊपर मैं चॉकलेट सिरप का यूज़ करूँगी। ये अपने हाथ के अंदर है कि हम लोग कैसे इसको डेकोरेट करें। इस तरीके से आप थोड़ा सा, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी खाने में भी। ये हमने डाल दिया है। अब मैं, मेरे पास थोड़े से ये बॉल्स पड़े थे, इसको मैं ऐसे डेकोरेट कर दूंगी। खट्टी मिट्टी है, अच्छी लगती है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, प्री मिक्स का बहुत जल्दी बनने वाला केक मैंने बनाया है और मैं इसकी आपको लेयर भी काट के दिखा देती हूँ, इसकी लेयर बहुत अच्छी आएगी। इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जल्दी है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए लेयर्स, देखिए आप कितनी अच्छी आई है, इधर से भी आप देख सकते हैं, देखिए लेयर्स देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लेयर आई है, केक सिंपल और बहुत इजी तरीके से बनता है केक। तो शिवानी आप ये प्लीज़ केक ज़रूर ट्राई कीजिए, ये केक बहुत ही जल्दी बनता है और खाने में बहुत यम्मी होता है।
आगे फर्दर मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी और लेकर आऊँगी और इजी केक रेसिपी लाइन में है, क्यू में है, तो डोंट मिस इट. प्लीज़ आप मेरे चैनल को देखते रहिए और मज़ेदार रेसिपीज खाते रहिए, बनाते रहिए. और वन थिंग मोर, एक चीज़ और है, मैं गाइस आपके लिए बीच बीच में ब्यूटी टिप्स वगैरह, और एक मेरी फ्रेंड ने बोला था कि पूजा तुमने इतना प्रेगनेंसी से टाइम से लेकर अभी तक, गाइस मैं 95 kg की थी और अभी मैं 70-73 के अप्रॉक्सीमेटली मेरा वेट रहता है, तो मैं आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी कि कैसे मैं अपना वेट लॉस किया, मैंने कैसे रूटीन किया था, और एक एक करके मैं आपको रेसिपीज़ भी दूंगी और आपको वेट लॉस की भी सब चीज़ें बताऊंगी. तो थैंक यू सो मच, आप देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.